यार जब भी पाव भाजी बनाओ तो ये लाल मिर्ची की चटनी जरूर बनाना। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। तो भाई ले लो थोड़ा बटर, थोड़ा ऑयल, लगाओ जीरे का तड़का और प्याज भून लो। उसके बाद डालो लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। इसे भूनने के बाद डालो टमाटर और शिमला मिर्च, और जैसे ही ऑयल सेपरेट होता दिखे डाल दो सारे मसाले। मसालों को भुनो और लो भाई आ गया नंबर सारी सब्जियां डालने का। यार पता है अगर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सब्जियां खिलाने का। जो मर्जी हो वो सब्जी इसमें डाल दो और खिला दो, क्यों है ना। आज का शॉर्ट आउट इनको। तो भाई लीजिए तैयार हो गई मुंबई स्टाइल पाव भाजी। अब जब भी सब्जियां खाने का मन ना करे तो इस डिलीशियस सी भाजी को याद करना और बना लेना पाव भाजी।